लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी के लिए अब ड्रोन कैमरे के द्वारा फरीदाबाद जिले के विभिन्न अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखी जाएगी। फरीदाबाद पुलिस ने आज SGM नगर, NIT एवं ओल्ड एरिया एवं बाजारों में ड्रोन कैमरे से निगरानी की है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि ड्रोन की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि कई जगह शिकायत आई है कि लोग घरों के बाहर बैठते हैं और गलियों में घूमते हैं और शाम के समय छतों पर झुंड बनाकर बैठते हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए तीसरी आंख ड्रोन से निगरानी शुरू की है। सभी थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज को लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। फरीदाबाद पुलिस ने आज उपरोक्त एरिया के अंदर करीब 4 ड्रोन से निगरानी शुरू की है। जो भी कोई ड्रोन कैमरे के अंदर आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्यवाही की जाएगी। आज पुलिस ने उपरोक्त एरिया के अंदर ड्रोन के द्वारा सर्विलेंस कर लोगों पर नकेल कसने का कार्य शुरू कर दिया है। आदेशों की पालना न करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस आयुक्त ने फरीदाबाद की जनता से अपील की है कि बाहर गलियों में न घूमें, घर के बाहर खड़े होकर पड़ोसियों के साथ झुंड न बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। महामारी से बचाव के लिए सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश का पालन करें। फरीदाबाद में लॉकडाउन को कड़ा करने के लिए पुलिस प्रशासन ने ड्रोन कैमरे की मदद लेनी शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन लगातार भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ड्रोन की निगाह से ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर रही है जहां पर लोग शाम के समय या तो घूमने के लिए निकल जाते हैं या फिर भीड़ में छतों पर जुटते हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसे में लोग यदि ना समझेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर अब ड्रोन से क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। कैमरामैन पंकज के साथ संदीप गोयल, पायनियर।